लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। 12 मई से देश के 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है भारतीय रेलवे। शुरुआती दौर में 15 शहरों के लिए नई दिल्ली जंक्शन से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसके साथ ही रेलवे ने ये भी बताया कि कल यानी सोमवार के शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए की गई लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही ट्रेनों का परिचालन भी बंद कर दिया गया है। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अब रेलवे दोबारा परिचालन शुरू करने जा रही है। हालांकि रेलवे के द्वारा प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए हाल ही में कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इन 15 शहरों के लिए खुलेंगी ट्रेनें। रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेंगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेनें चलेंगी। बयान के मुताबिक रेलवे कोविड-19 देखभाल केंद्रों के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित करने के बाद उपलब्ध कोचों के आधार पर नए मार्गों पर और अधिक विशेष सेवाएं शुरू करेगा और पर्याप्त संख्या में कोचों को श्रमिक स्पेशल के रूप में प्रतिदिन 300 ट्रेनों का संचालन सक्षम करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। ऐसे होगी टिकट की बुकिंग। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगी। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट यानी कि प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और प्रस्थान के समय स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और केवल यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी।